हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू निम्बस ऑन अ प्लेटफॉर्म। सो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था माउंटेन सिस्टम ऑफ चंबा, जिसमें हमने डिस्कस किया था पीर पंजाल रेंज के बारे में, द गानी धार के बारे में और हाथी धार के बारे में, और हमने तहसीलों के बारे में भी डिस्कस किया था कि चंबा में कितनी तहसीलें हैं और कौन कौन सी तहसीलें जो है वो किन किन जिलों के साथ और बाहरी राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करती है। सो आज इस वीडियो में हम रिवर सिस्टम ऑफ चंबा के ऊपर फोकस करेंगे, और इससे पहले रावी रिवर के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है, अच्छे से हमने रावी को डिस्कस किया था, बिकॉज रावी जो है वो चंबा में मेनली फ्लो करती है और वैसे बड़ा बंगाल कांगड़ा से ऑरिजिनेट करती है। दोबारा से जो है रावी को हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, रावी नदी की हम बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं जिनकी वजह से रावी बनती है, भद्दल एंड तंतगिरी। भद्दल एंड तंतगिरी जो है नदियाँ, ये बड़ा बंगाल में ही हैं और भद्दल ग्लेशियर और तंतगिरी ग्लेशियर से ये नदियाँ बनी हैं और इन नदियों की वजह से रावी बनती हैं। तो फिर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम आप पिक्चर में मैप में देख सकते हैं, ये रावी रिवर है और ये दो नदियों से बनी है, भद्दल एंड तंतगिरी। फर्दर रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल से होली तहसील में, चंबा की होली तहसील में यह एंटर करती है। ध्यान रखिए आप, होली तहसील एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी तरह से ये डायरेक्शन जो है आप जैसे कि देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लेकर रावी जो है वो चतराड़ी जैसे टाउन से होते हुए, एंड चंबा इज द मेन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट, इन यहाँ से होते हुए जो है फर्दर ये आपकी जो है खेड़ी नाम की जगह से जो है वो हिमाचल को लीव करती है या चंबा को लीव करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बुधिल। देखिए, बुधिल नदी जो है ये आपकी कुप्ती, जो आपका माउंटेन पास है जो लाहौल और भरमौर को कनेक्ट करता है, और कुप्ती एक जगह भी है, दिस इज अ विलेज, यहीं से ही एक नदी जो है ओरिजिनेट करती है और इसे हम बुधिल कहते हैं। ये हमारी भरमौर तहसील की जो है बुधिल जो है इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है बुधिल। और कुप्ती की हम बात करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, कुप्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि कौन सी ऐसी नदी है रावी की जो ट्रिब्यूटरी है जो कुप्ती जगह से या कुप्ती जो माउंटेन पास है वहां से जो है ओरिजिनेट करती है। तो बुधिल का आपने ध्यान रखना है। आगे बात करें साहो की या सा नदी। देखिए, साहो जो है जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर टेंपल है, बहुत ही पुराना एक साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया एक टेंपल है, तो उस नदी को वहां पे साहो भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम साल नदी है, कहते हैं साल नदी पे ही सबसे पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट बना था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1910 में, 1910 में चंबा में, और जिसकी वजह से चंबा में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आया था। अगर हम बात करें उसमें की राजा की, तो राजा भूरी सिंह कहते हैं कि उसमें पे एक्टिव थे। सो साल नदी का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम थोड़ा रफली सा बात करें, इस तरह से ये साल नदी जो है वो चंबा के आसपास में कहीं रावी में मिलती है साल। आगे बात करेंगे सबसे लंबी नदी के बारे में जो ट्रिब्यूटरी है रावी की चंबा में, डेट इज सियूल। सियूल नदी जो कि जम्मू एंड कश्मीर भद्रवाह वाले जो बाउंड्री वाले जो रीजन है यहाँ से ओरिजिनेट करती है, और भंदल वैली जैसे इन जगहों से होते हुए देखिए आप देख सकते हैं ये सियूल है। और इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बायरा नदी एंड छंजू, इनका भी आप ध्यान रखेंगे, बायरा एंड छंजू। यहाँ पे छंजू मेंशन नहीं किया है, छंजू आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। और एक और नदी है तुंदा। देखिए, ये आसपास हो सकता है कि एग्जैक्टली इसकी लोकेशन स्पेसिफाइड तो नहीं है, लेकिन जो चंबा से बिलोंग करते हैं शायद अच्छे से जानते होंगे, शायद उन्होंने सुना हुआ इसके बारे में, तुंदा नदी के बारे में। मे बी मोस्ट प्रोबेबली हम ये मान सकते हैं कि ये नदी हो सकती है तुंदा, और शायद तुंदा जो है वो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है अगर मैं सही हूँ। तो आपने इसको कन्फर्म करना है, आपका ये होमवर्क है, तुंदा नदी के बारे में आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा अपने एंड पर। बाकी ये नदियां हैं रावी की जो आपने ध्यान रखनी है। कहते हैं एक एक्सेप्शनल एक नदी और भी है, चिरचुन स्ट्रीम। कहते हैं ये लेफ्ट साइड से जो है रावी में मर्ज करती है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये नदी हो सकती है। बाकी सभी नदियां आपने देखा है राइट साइड से रावी में मर्ज कर रही हैं, एक अकेली नदी है चिरचुन नाला, शायद मे बी जो है ये आपकी यही नदी है और लेफ्ट साइड से जो है ये मर्ज करती है रावी में। तो रावी की तरफ से हमने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे बात करें हम चंद्रभागा की। देखिए, इस चंद्रभागा मतलब चेनाब,
और चिनाब की अगर हम बात करते हैं तो ये चंबा में पांगी में एंटर करती है, और पांगी की कौन सी एरिया में एंटर करती है, एंटर इन पांगी, पांगी की भुजी जो है, भुजिंद एरिया, भुजिंद एरिया जो है वहां जो है ये एंटर करती है। भुजिंद एरिया का आपने ध्यान रखना है, पर ये लीव कहाँ करती है चंबा को, एट संसारी नाला, लीव एट संसारी नाला। अब मैप में देखेंगे इसको, देखिए ये जगह मैंने बताई भुजिंद एरिया, और ये पुर्थी के आसपास भी जो है, ये पुर्थी जगह जो है वो भी चिनाब के आसपास ही है, पुर्थी मिंधल ये सब आसपास है। तो यहाँ जैसे जो है ये चिनाब एंटर कर रही है और ये लीव जो कर रही है संसारी नाला। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीम जैसे सेचू नाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे पांगी में ही है, और सात स्ट्रीम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अच्छे से ध्यान रखें। बाकी कुछ और भी है जैसे छोबिया, मोड़ू, चीनी, इनका भी आप ध्यान रखिएगा। मेनली सेचू नाला जो है वाइल्ड सेंचुरी है, और सात जो है माउंटेन पास है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और कंटेक्स्ट से भी इंपॉर्टेंट है, सेचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साच माउंटेन पास। तो इन्हीं के नाम से छोटी छोटी नदियां भी हैं, स्ट्रीम आप कह सकते हैं, छोटे छोटे नाले, इनका आपने ध्यान रखना है। सो ये हुआ रावी और चिनाब के बारे में। आगे हम डिस्कस करते हैं लेक्स, जो कि हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, प्रीवियस जो लेक्स के ऊपर जो वीडियोज हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए मणिमहेश लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, जो कि भरमौर सेक्शन में आती है, और मैप में भी आप देख सकते हैं मणिमहेश लेक को, ये आपकी मणिमहेश लेक है। और इसी के साथ धनचो वाटरफॉल भी है, तो थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा, धनचो वाटरफॉल भी साथ में आप देख सकते हैं। दिस वन धनचो वाटरफॉल। और एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली, भरमौर में देखिए आप कुप्ती देख सकते हैं, कुप्ती पास यहाँ पे है, और कुप्ती जगह जो है यहाँ पर है, ये यहाँ पे आपका भरमौर है, तो ये सारे भरमौर के रीजन है। और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट लेक मणिमहेश लेक। नेक्स्ट बात करते हैं लामा डल लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम बात करते हैं गद्दी ट्राइब के लिए बहुत ही हॉली लेक है, जन्माष्टमी के टाइम पे हॉली बात लेने के लिए गद्दी लोग यहाँ पे आते हैं। और लामा डल लेक जो है कि आपकी चंबा तहसील में है। दैनकुंड देखिए, यहाँ जगह देखिए, जगह को देखिए, दैनकुंड है ये, और दैनकुंड जो सेटलमेंट है उसके आसपास ये लेक है, दैट इज लामा डल लेक। और इसे ग्रुप ऑफ सेवन लेक भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। खजियार लेक जो कि डलहौजी तहसील में, देखिए खजियार लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। विली पी ब्लेजर नाम के एक स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के जो एनवॉय थे, जिन्होंने इन्हें एक टाइटल दिया था खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का 1992 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपने ध्यान रखना है खजियार से। यहाँ पे खाजीनाथ टेम्पल भी है खजियार लेक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खजियार ये जगह है, यहाँ पे खजियार लेक भी है। और आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त ताल, देखिए ये धर्मशाला की तरफ लोकेटेड है, चंबा में ही है, चंबा तहसील में। देखिए यहाँ पे जैसे जो आपकी जो है वो ये लेक आसपास आती है धर्मशाला की तरफ, हो सकता है कि ये गसूत्री जो पास है, भीम गसूत्री पास, आप देख सकते हैं भीम गसूत्री पास जो चंबा और कांगड़ा को कनेक्ट करता है। डल लेक से अगर आपने चित्राड़ी वाले रीजन पे जाना है तो भीम गसूत्री पास को यूज किया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ भीम गसूत्री, गसूत्री पास। इसी के आसपास में भी ये लेक लोकेटेड है चंद्रगुप्त ताल, और ये भीम गसूत्री पास फेमस इसलिए है बिकॉज ये डल लेक से अगर हमने चंबा जाना है, चतराड़ी वाले रीजन में जाना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं चतराड़ी। जब हम चंबा और कांगड़ा की बात करते हैं करेंगे, या हम कांगड़ा डिस्कस करेंगे, तो हम इन माउंटेन पासेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि आपके कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करते हैं। हालांकि माउंटेन पासिस के लिए मैंने बहुत अच्छे से जो है वो वीडियो भी बना चुका हूँ, सो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं घड़ासुरु लेक की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाकी सभी लेक या तो आपने भरमौर तहसील में देखी, चंबा तहसील में देखी, डलहौजी में देखी, ये घड़ासुरु लेक जो है ये आपकी चुरा वाले एरिया में आती है, चुरा तहसील में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है चुरा तहसील। तो चुरा तहसील जो है आपकी, देखिए चुरा वाला एरिया जो है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट चुरा की है तीसा, और तीसा के आसपास ही आपका क्या है, यहीं पे ही जो है आपका लेक है, तीसा से कुछ किलोमीटर दूर गढ़ासुरु लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है गढ़ासुरु। और एक और लेक बहुत इंपॉर्टेंट है महाकाली, जिसे खुंदी मर लेक भी कहते हैं, खुंदी यात्रा होती है ये, इस जगह पे आपको मिलेगी, खुंदी
खुंदी भी एक जगह का नाम है, खुंदी मरल लेक, और इसी लेक का नाम है महाकाली लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि महाकाली लेक कहाँ पे है। तो महाकाली लेक जो है वो चुराह में ही आती है, और चुराह के सलूनी जो सब डिविजन एरिया है, सलूनी जो एरिया है, सलूनी इन्हीं एरिया में ये लाई करती है। आगे महानाग लेक, चामुंडा लेक, बैसाखी लेक, ये तीन लेक का आपने ध्यान रखना है, ये भी चुराह में आती है, चुराह ही में ही आती है। एंड देन चमेरा लेक जो कि मैनमेड लेक है, जो कि रावी नदी पे जो चमेरा डैम बना है उसकी वजह से ये लेक बनी है। तो ये लेक्स का आपने ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं कुछ माउंटेन पासेस, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जिनका आपने ध्यान रखना है। देखिए साच पास बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पास, जो कि मोटरेबल कनेक्टिविटी है, ओनली मोटरेबल कनेक्टिविटी। एंड चंबा से अगर हमने पांगी जाना है, देखिए ये रूट रूट आप देख रहे होंगे, ये नया तीसरा होके जो है, दिस इज एंड हियर इज योर साच पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन पास। जिस तरह से कुंजुम पास बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करने वाला, वैसे ही चंबा और पांगी को कनेक्ट करने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है माउंटेन पास, ताज पास का ध्यान रखेंगे। और किलाड़ देखिए, आप सीधा जाके पहुंचेंगे किलाड़, जो कि इंपॉर्टेंट सेटलमेंट मानी जाती है पांगी वैली की। नेक्स्ट कुप्ती पास देखिए, अब ये कुप्ती, छोबी और करीचो, तीनों के तीनों माउंटेन पास इंपॉर्टेंट है, और ये लाहौर और भरमौर को कनेक्ट करते हैं। लाहौर एंड भरमौर इससे पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, लाहौर और भरमौर। देखिए ये देखिए तीनों पास एक जगह पे है। सबसे पहले कुप्ती पास की बात करूंगा, अगर आपने कुप्ती से इस तरह से जो है वो लाहौल जाना है तो आप कुप्ती पास यूज करेंगे। यहाँ पे आपका छौबिया पास है, एंड यहाँ पर आपका जो है वो कालीचो पास है। कालीचो पास की इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आपने भरमौर से अगर आपने त्रिलोकीनाथ जाना है लाहौल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पट्टन वैली की सेटलमेंट है, श्राइन भी है त्रिलोकीनाथ धाम, तो अगर आपने त्रिलोकीनाथ धाम जाना है तो आप यूज करेंगे कालीचो पास। तो इन तीनों पास का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पादरी पास, बसुधन पास। पादरी पास जम्मू एंड चंबा, और थोड़ा इसे देखें तो देखिए यहाँ पे आपका पादरी पास आएगा, जो भद्रवाह के रीजन है, जम्मू के भद्रवाह वाले उनके साथ जो है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है पादरी पास, चंबा और जम्मू। बसुधन पास बहुत इंपॉर्टेंट है, भटियात और चंबा का इंपॉर्टेंट पास, ठीक है, भटियात एंड चंबा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भटियात वाले रीजन, देखिए ये आपके रीजन जो है भटियात वाले हैं, और यहाँ पर आपके पास चंबा वाले रीजन है, तो यहाँ पे ही ये मोस्ट प्रोबेबली माउंटेन पास लोकेट करता है, दैट इज योर बसुधन पास। और सभी माउंटेन पासेस से सबसे छोटी हाइट पे, एलिवेशन पे पास लोकेटेड है। तो आपने इन सब माउंटेन पासेस का ध्यान रखना है, और आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। अगर किसी तरह का डाउट आपके मन में है, आपके पास है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट हम हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएंगे। हमारा चंबा का ज्योग्राफी जो था, वो जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया वो यही था, और आगे हम हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।